The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. And aaj hum baat karenge sexual problems. Compulsive sexual behavior ka kya matlab? कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर यानी देखिए सेक्सुअल फीलिंग्स हर इंसान में होती है. हर इंसान, हर जानवर, हर जीव जंतु उसमें सेक्सुअल फीलिंग्स होती है और हर इंसान रिप्रोड्यूस करता है. सो नर को मादा की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए फीलिंग्स आपके अंदर पैदा होती है कुछ ही चीज़ को देख के. कभी कभी आप उस फीलिंग को व्यक्त करने के लिए मैस्ट्रबेशन हस्त मैथुन करते हैं और कभी आपको आप एक्चुअली सेक्स पे सेक्स हो जाता है तो सेक्स हो जाता है शादी के बाद या वैसे भी. सो दैट इज़ वन सेक्सुअल थिंग विच यू हैपन राइट. यू प्रैक्टिस सेक्स. सो प्रैक्टिस हो गया सेक्स का इस ये नॉर्मल है. ये नॉर्मल है लेकिन अगर आपके शरीर में अगर आपको कंपल्शन हो रही है कि नहीं बाकी दूसरा काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ और एक्सेसिव दिमाग में प्री ऑक्यूपेशन सिर्फ और सिर्फ सेक्स चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बात आ रही है कि मैस्ट्रबेशन सेक्स पॉर्न या कोई भी ऐसी चीज़ जो इससे रिलेटेड है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर. मजाक नहीं है लेकिन ये बहुत कॉमन है. ये बहुत कॉमन है और कहने के लिए ऑलमोस्ट सभी को ये टेम्पररीली हुआ तो होगा ही. किसी को कुछ दिनों के लिए, किसी को कुछ महीनों के लिए, किसी को लगातार. सोचिए अगर किसी को लगातार हो रहा है तो उसके ना सिर्फ लाइफ में उसके खुद की बॉडी पे कंट्रोल कम हो जाएगा, उसकी लाइफ में स्ट्रेस, नेगेटिविटी, इतनी सारी चीज़ें आ सकती है. क्योंकि एक आदमी अगर अपना एक इंसान, एक फीमेल या मेल अपने काम सब छोड़ के सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपको दिक्कत तो होगी. तो अगर आप अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, अपने ऑफिस में सही से काम नहीं कर पाओगे, अगर आपको हर एक काम करते हुए कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो आपका जॉब, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी नींद, हर चीज़ पे इफेक्ट आएगा. आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट आएगा क्योंकि हो सकता है आप मैरिड हो फिर ऐसे काम कर रहे हो और हर वक्त सेक्स के बारे में सोच रहे हो तो वाइफ और हस्बैंड आपके उतने कंपैटिबल ना हो, वो सोचे भाई ये क्या हो रहा है राइट. सो आपका इस तरीके की दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है. इस चीज़ का कोई ना कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस के साथ रिलेशनशिप होता है, जैसे कि मैस्ट्रबेशन, साइबर सेक्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल या फिर पेड सेक्स. तो किसी ना किसी ऐसी चीज़ में इंसान ज़रूर फंस जाता है. फंस जाता है मतलब कि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, या तो वो लगातार इनमें से कुछ ना कुछ मैस्ट्रबेशन, पॉन या साइबर सेक्स या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर या पेड सेक्स में जाके अपने आप को सेटिस्फाई करना मजबूरी हो जाती है उसकी. मजबूरी का मतलब है कि उसको और कोई काम नहीं सूझता और कुछ नहीं कर पाता और अल्टीमेटली उसको ये करना ही पड़ता है. सो ये चीज़ एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो आपको समझनी ज़रूरी है. और इसको आप कुछ भी बोलिए, नो मैटर वॉट एवर यू कॉल इट, कि कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर है एक तरीके से, या आप इसको कहिए कि लो सेल्फ एस्टीम है, आपका शरीर खुद पे कंट्रोल नहीं है राइट. लेकिन इससे प्रॉब्लम तो हो रहा है. तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है या आपके किसी नॉन पर्सन को हो रहा है, नॉर्मली आप या कोई पर्सन इसको एडमिट नहीं करता कि हाँ मुझे ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है तो सिम्टम क्या होंगे, पहले खुद से एडमिट करिए कि हाँ ऐसा कुछ है. मतलब अगर आपको रिकरेंट, अगर आपको इंटेंस सेक्सुअल फैंटेसीज आती हैं, अर्जेज आते हैं, बिहेवियर आता है कि यू हैव टू टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब आपका बहुत सारा टाइम इसी में जाता है, यू हैव टू टेक अप अ लॉट ऑफ योर टाइम इसी में ड्यू इन सेक्सुअल थॉट्स और सेक्सुअल वर्क, तो फिर दैट इज़ वन इशू राइट. तो दैट इज़ वन फीलिंग वेर यू फील कि आप कंट्रोल में नहीं हो, आपको कुछ और नहीं कर पा रहे हो. या अगर आपको करने के बाद में गिल्टी फील हो रहा है राइट, जो लोग कहते हैं दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. गिल्टी फील होना अपने आप में, आप रिमोर्स फील करते हो, गिल्टी फील करते हो उसके बाद, दैट इज़ ऑल्सो वन सिम्टम राइट. या अगर आप अनसेक्सफुली, अगर आप ट्राई कर रहे हो कोई ऐसी अर्ज को रोकने का और ऐसी अर्ज को नहीं मैं नहीं करूँगा
नहीं मुझे नहीं करना है, अब मैं इतने दिन इतने महीने इतने साल कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, अनसक्सेसफुल हो रहे हो, अगेन यू गेट डिप्रेस, यार मेरे को तो कंट्रोल ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, राइट? सो दिस इज द सेम थिंग, सिमिलर थिंग, जैसे इंसान सोचता है कि आज मैंने टाइम टेबल बनाया, मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, एग्जाम में पढ़ाई करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते जो वो कर सकते थे या वो सोचते थे वो कर सकते थे, और उन्हें फिर बुरा लगता है। सेम चीज़ कहीं यहाँ होती है, एक तरीके का बिहेवियरल प्रॉब्लम, एक तरीके का माइल्ड सा आपको नेगेटिव फीलिंग, डिप्रेसिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। अगर आपको ये चीज़ कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में डेवलप कर रही है, मतलब कि आप खुद को या दूसरे को फाइनेंशियली, या आपके पास पैसे नहीं है, आप फिर भी सेक्स के लिए पैसे दे रहे हो, आप वेबसाइट में पैसे डाल रहे हो, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं लेकिन वहाँ पैसे डाल रहे हो, आके काम में आपको बॉस ने वार्निंग दे दी लेकिन फिर भी आपका दिमाग काम में नहीं पड़ रहा, आप दूसरी जगह सेक्स पे जा रहे हो, तो ये सीरियस प्रॉब्लम है, तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। तो इस चीज़ के लिए ट्रबल आपको आ सकती है, लीगल ट्रबल में घुस सकते हो। मान लो आप बाहर, मतलब इसी चीज़ के चलते कई लोगों को कई लोग रेप और ऐसे ईव टीजिंग और बदतमीजी करते हैं दूसरों के साथ, तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ भी एक बिहेवियरल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिससे नॉर्मली हर इंसान टेम्पररीली तो गुजरता ही है, कईयों का कंट्रोल होता है, कईयों का नहीं कंट्रोल होता, राइट? मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ देखी, कोई स्वादिष्ट चीज़ देखी जिसको खाने का आपको बहुत मन कर रहा है और बहुत ज़ोरदार मन करता है, तो सिचुएशन देख के आप, कई लोग खा लेंगे, कई लोग सिचुएशन देख के बोले नहीं अभी मुझे खाना नहीं चाहिए, शायद आप कई ऑफिस में, कई पार्टी में किसी के साथ किसी किसी थोक, लेकिन ऐसे तो नहीं करते, है ना? मान लो मेहमान घर पे आए हैं, आपने उनके सामने कोई खाने के लिए चीज़ रखा, आप पहले उठा के तो नहीं खाने शुरू करते, कह रहे खा लिए प्लेट उठा के पहले उनको सर्व करते, चाहे आपका कितना भी मन करे, तो ये सेल्फ कंट्रोल होता है। मान लो अगर ये सेल्फ कंट्रोल ना हो तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सेम यहाँ हो रहा है कि आपका सेक्सुअल बिहेवियर, किसी चीज़ को खा देख के खाने का मन करना गलत नहीं है, वो नॉर्मल है, लेकिन उसको रोक नहीं पाना गलत है। वैसे ही सेक्सुअल फीलिंग आना प्रॉब्लम नहीं है, सेक्सुअल फीलिंग ज़्यादा आना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेक्सुअल फीलिंग को रोक नहीं पाना प्रॉब्लम है, राइट? समझ रहे हैं? तो ये है एक्चुअल सेक्सुअल चीज़। इस चीज़ के लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, इनसे। ये कब मिलना है? अगर आप अपने सेक्सुअल फीलिंग नहीं फाइनेंस कर पा रहे, डिप्रेस फील कर रहे हो, आप छुपाते हो अपनी सेक्सुअल फीलिंग अपने पार्टनर से, इन चीज़ से, तो अपने शर्म को, अपने एम्बेरसमेंट को साइड रखिए अगर ठीक होना चाहते हैं, और फोकस करिए गेटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि बेनिफिट आपको 100% मिलेगा प्रॉपर काउंसिलिंग, प्रॉपर ट्रीटमेंट से। सो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कभी कभी मेडिसिंस की ज़रूरत पड़ती है। याद रखिए आप अकेले नहीं हो, लिटरली ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे दुनिया में जिनको ऐसी कोई सेक्सुअल अर्ज नहीं होती, वरना होती सबको है, अर्ज सबको होती है, राइट? और अर्ज पे कंट्रोल कईयों का कुछ दिनों के लिए, हर एक के बाद जिंदगी में ऐसा फेज था, आता ही थोड़े दिन के लिए कंट्रोल नहीं रहा, एक आध दिन के लिए कंट्रोल नहीं रहा, यार छोड़ो इसके लिए, ठीक है, बहुत कॉमन है, और जो कहता नहीं हुआ वो झूठ कहता है, ठीक है? कीप इन माइंड, डॉक्टर को आपने पूरी की पूरी सच्चाई बतानी है, कोई चीज़ नहीं छुपानी है, लिटरली जाके हर एक चीज़ बतानी है। अब फिर बोलोगे सर इसमें मेरे को हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है? तो कारण इसके पॉसिबल होते हैं, ब्रेन के केमिकल्स में इनबैलेंस होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन में, डोपामीन, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो आपके मूड बदलते हैं। कई बार क्या होता है, अगर ये इस तरीके के जो आप कर रहे हो, सेक्स, मैस्टर्बेशन, पेड सेक्स, पोर्नोग्राफी, इनसे क्या होता है, आपके शरीर को वो डोपामीन, वो सीरोटोनिन, वो नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा मात्रा में मिलने लग जाता है, वो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलने लग जाती है जो आपको मिलनी चाहिए थी कभी कभार कोई चीज़ हासिल करने से, कोई एग्ज़ाम में फर्स्ट आने से, कोई अचीवमेंट करने से। तो आपको वो मेहनत का फल जो डोपामीन हमेशा मिलने लग जाता है, तो आपके शरीर को वो ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए आपका शरीर कहता है ये इजी है, एक बार मैस्टरबेट कर लो, एक बार सेक्स कर लो, आसानी से आपको सेटिस्फैक्शन मिल जा रहा है, करते रहो। तो ये दिमाग का फीलिंग होती है, दैट इज़ वेयर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, दिमाग के अंदर केमिकल इम्बैलेंस। ब्रेन पाथवेज भी होते हैं जिसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि अगर मान लीजिए ब्रेन के अंदर कोई न्यूरल सर्किट है वो ओवरड्राइव में चला जाता है, जिसका काम था मोर इंटेंस सेक्सुअल फीलिंग स्टिमुलेट करना, तो एक नॉर्मल पर्सन को जिसको कम थी,
बुढ़ापे बुढ़ापे में भी लोगों को एकदम खतरनाक सेक्सुअल फीलिंग आ जाती है कभी कभी इस तरीके के न्यूरल पाथवे एबनॉर्मलिटी से, राइट? वो दिमाग में एबनॉर्मलिटी होती है, ये किसी की भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, इसका कोई एक्चुअल रीज़न नहीं है। एक्चुअल रीज़न इसमें कई बार कह लीजिए ओल्ड एज में या बुढ़ापे में या नसों के मेंटेनेंस, फॉलिक एसिड, विटामिन डेफिशिएंसी, या एक बार डोज ज़्यादा ले लिया, तभी कभी कोई इस तरह की एबनॉर्मलिटी है। अल्टीमेटली कोई बेसिक सोर्स नहीं पता इस चीज़ का। फिर ब्रेन को अफेक्ट करने वाली चीज़ें जैसे एपिलेप्सी, कोई डेमेंशिया, दिमाग की बीमारियाँ, दिमाग में कोई पार्किंसन डिजीज़, या कोई ऐसी कोई भी दिमागी बीमारी से भी कई बार सेक्सुअल सिम्टम्स आ जाते हैं। पेशेंट को सेक्स की इच्छा, सेक्स बहुत ज़्यादा करने का ऐसी इच्छा आ सकती है। उल्टा भी हो सकता है, कई बार सेक्स की इच्छा मर जाती है ब्रेन की बीमारी से। अल्टीमेटली है तो आपके फीलिंग ब्रेन में आता है, फीलिंग ब्रेन में, हार्ट कहते हैं लेकिन है ब्रेन में, फील तो आप ब्रेन में करते हो, है ना? जब हाथ जल रहा होता है तो वो सेंसेस नर्व से जाके ब्रेन में जाती है, भाई हाथ जल रहा है, हाथ हटाओ, सुई चुभे, हाथ हटाओ। वो फीलिंग ऑफ पेन ऑफ ग्लव और वट एवर डज नॉट गो टू द हार्ट, कहते हैं हार्ट लेकिन वो होता है ब्रेन, याद रखिएगा, ठीक है? तो अगर आप कैसे आप सोचें कि आप अपने आप को कैसे बचाएं इससे, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो एक्सेस है सेक्सुअल कंटेंट से, अगर आपका बहुत ज़्यादा पोर्न, बहुत ज़्यादा ऐसी सेक्सुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखते हैं, हर जगह जहाँ जाते हो सेक्सुअल फोटो दिखती है, मतलब आप गूगल भी ऐसे करता है, जो इंसान जो पेजेस ज़्यादा खोलता है उसको उसी के ऐड दिखाए जाते हैं, तो अगर आपको हर जगह हर चीज़ में सेक्सुअल ऐड दिखते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ें देख रहे हो एज़ कम्पेयर टू अदर चीज़ें, राइट? अगर आप इंटरनेट पर टाइम बिताते हो सिर्फ उसके लिए नहीं बिताते, राइट? सो आपको उसमें कंट्रोल करना पड़ेगा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? अगर आप प्राइवेसी सीक्रेसी नहीं कंट्रोल कर पा रहे, यानी लोगों को पता चल रहा है कि आपकी सेक्सुअल फीलिंग ऊपर दिख रही है, ये हो, देन देर इज़ अ रिस्क फैक्टर। अगर आपको और रिस्क फैक्टर है, जो लोग दारू पीते हैं या कोई ड्रग अब्यूज स्मोकिंग करते हैं उनको रिस्क फैक्टर होता है, कोई डिप्रेशन, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, मेंटल डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, कोई को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, नहीं ये तो अरे कंपल्शन है कि ये तो मेरी, जेलसी, इन सारी फीलिंग से ये चीज़ बढ़ जाती है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, माँ बाप का एक दूसरे से झगड़ा, डिवोर्स हो रहा है, घर में झगड़े हो रहे हैं, उन चीज़ से भी ऐसी चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। ऑब्वियसली जिन लोगों में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा इस तरीके का, कोई ना कोई उन्हीं की फीलिंग ढूंढेगी कि भाई मुझे जल्दी सेटिस्फैक्शन, मुझे कोई चीज़ मिल जाए जो मेरे को भाई शांत करे टेम्पररी, राइट? और अगर कभी फिजिकल अब्यूज़ हुआ हो किसी का भी, लड़का लड़की बचपन में, या कभी कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, तो भी आपकी इस तरीके की फीलिंग्स जाग सकती हैं, राइट? याद रखिएगा इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपने इस चीज़ को नहीं रोका तो एक गिल्ट फीलिंग से आप डिप्रेशन में जा सकते हो, मेंटल डिसऑर्डर्स में, कभी कभी सीवियर डिस्ट्रेस एंजाइटी, कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ सकती हैं। आपके रिलेशनशिप, जॉब, लाइफ, हेल्थ, इन सब पे बुरा असर पड़ सकता है। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है, फोकस शरीर में, बॉडी में फोकस, फाइनेंशियल से हर चीज़ में दिक्कत आ सकती है। आपको बीमारियां हो सकती है अगर आप अनसेफ सेक्स में इन्वॉल्व हो गए, हेपेटाइटिस, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीजेस, HIV, ऐसी बीमारियां हो सकती है। ड्रग यूज़ का एबनॉर्मलिटी जाग सकती है कि भाई ये नहीं मुझे ड्रग, मतलब कोई दारू पीना शुरू कर सकता है, कोई स्मोकिंग, कोई ड्रग्स लेना शुरू कर सकता है। आप सेक्सुअल ऑफेंसेस, अगर आपने कहीं किसी को छेड़ दिया तो आप अरेस्ट हो सकते हो, तो कॉम्प्लिकेशन है। तो इस तरीके के सेक्सुअल बिहेवियर को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रिवेंशन, कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करने के लिए भाई साहब आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चीज़ को एक्सेप्ट करें और उतनी जल्दी हेल्प करें अपने आप को। सिम्टम्स को आप आइडेंटिफाई करें और जो शेम, जो रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप हार्मफुल ये है, उसको वहाँ पर ही रोक सकते हैं, जाके हेल्प लेना, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से मिलना, ठीक है? ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, जैसे जैसे ट्रीटमेंट होता है डिप्रेशन और एनजाइटी ये सब कम हो जाते हैं। ट्रीटमेंट में आपको कुछ मेडिकेशंस, कुछ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, कुछ सिंपल साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस दी जाती हैं, ताकि आपका माइंड जो है वो एक बच्चे के माइंड के जैसा डाइवर्ट हो जाए। एक बच्चे को जब आप आज के डेट में मोबाइल दिखाते हो तो उसको और देखना है, नहीं देते हो तो वो रोता है, राइट? फिर कभी दिख जाए, किसी के पास भी दिख जाए, उसके पास जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसको भी तो आप रोक सकते हो, है कि नहीं? वैसे ही आप इसको रोक सकते हो, खुद से नहीं रोक पाओगे, बच्चा खुद से खुद को नहीं रोक सकता, आपको हेल्प चाहिए, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप हेल्प लेंगे
तो आप ठीक हो जाएंगे, नहीं हेल्प लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, अपने आप के अपने फैमिली है किसी से बात करें या डॉक्टर के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट दोनों डॉक्टर्स हैं। कोई पागलपन की बीमारी नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये बच्चे के एक वीडियो गेम और एक मोबाइल के लत के जैसा है, उसको छुड़ाना बिल्कुल इसी की तरह से इसको भी छुड़ाना है, राइट। आपको रिस्क फैक्टर्स को ज़रूर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जब भी आपको लगता है, तो ऐसी रिस्की सिचुएशंस में ना पड़े ताकि आपको एम्बेरसमेंट ना पड़े, ठीक है। ये बेसिकली सोशल सिचुएशंस की बात हो रही है कि अगर आप ऐसे सोशल सिचुएशंस में जा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है तो आप एम्बेरस हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करें। बाकी चीज़ें आपको आपके साइकोलॉजिस्ट आपके खुद के साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने के बाद बताएंगे कि आपके केस में किस चीज़ की ज़रूरत है, राइट। ये ज़रूरी वीडियो है जो हर एक को पता होना चाहिए, ज़रूरी टॉपिक है जो हर एक को आइडिया होना चाहिए, इसीलिए हमने पहले इसको आज लिया, राइट। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाएगी, राइट। थैंक यू।